नमस्कार, आप सबके साथ एक बार फिर न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में जुड़ चुका हूं। मैं गौरव अग्रवाल, और देखिए आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की। राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, हम सब जानते हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, ट्रस्ट बना दिया गया है और अब धन संग्रह यानी चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही है। और मुझे जहां तक मालूम है और जहां तक इस देश में या दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो राम मंदिर बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कैसे भी अपना सहयोग देना चाहता है, लेकिन आपको शायद तरीका नहीं मालूम होगा कि कैसे आप अपना सहयोग इस राम मंदिर के निर्माण में दे सकते हैं। तो आइए आज आपको इसी के बारे में बताते हैं। देखिए 15 जनवरी से देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान की शुरुआत होने जा रही है। यानी जैसे कि आप नवरात्रों में या अपने शहर में अपने घर के आसपास किसी शुभ काम में कोई चंदा देते हैं, ठीक वैसे ही आपको आप चंदा दे सकते हैं। 42 दिनों का अभियान है, मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है 15 जनवरी से और माघ पूर्णिमा तक चलेगा 27 फरवरी तक। और इन 42 दिनों में आप कैसे आप धन इस धन संग्रह अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं ये बताने आज मैं आपको जा रहा हूँ। क्या करना है, देखिए पहले आप जानिए इस अभियान की पूरी रूपरेखा क्या है, कैसे ये अभियान चलेगा। 5,25,000 गांवों में 13 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ लोगों तक जाया जाएगा। 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है और हो सकता है और ज़्यादा लोगों तक जाया जाए। और इसके लिए हर राज्य में टीमें भी बना दी गई हैं, टीमों का निर्माण भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया गया है ताकि कैसे लोग जाएँ। हर टीम की अलग अलग जिम्मेदारी है, उन टीमों के बारे में भी बताऊंगा आपको कि किस टीम को क्या जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले आपको बताते हैं कि आप चंदा कैसे दे सकते हैं। आपके मन में होगा कि हम राम मंदिर के निर्माण में अगर चंदा देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आप तीन तरह से चंदा दे सकते हैं, एक तो ट्रस्ट ने कूपन छपवाए हैं उन कूपन के जरिए आप चंदा दे सकते हैं, दूसरा रसीद छपवाई गई है, एक निश्चित तय सीमा की गई है कूपन के रकम की, उसके बाद आपको रसीद के जरिए, आप ज़्यादा चंदा देना चाहते हैं तो आपको रसीद के जरिए चंदा देना पड़ेगा, और तीसरा आप सीधे अकाउंट में डिपॉजिट करके भी चंदा दे सकते हैं। क्या करना है, ट्रस्ट की तरफ से कूपन और रसीदें भेज दी गई हैं टीमों को, 10 रुपये, 100 रुपये और 1,000 रुपये, इन तीन राशियों के कूपन छपवाए गए हैं। 100 रुपये के 8 करोड़ हैं, 10 रुपये के 4 करोड़ हैं और 1,000 रुपये के कुछ 12-13 लाख कूपन छपवाए गए हैं ट्रस्ट की तरफ से। आप इन कूपन के जरिए आप 100 रुपये देना चाहते हैं, 10 रुपये देना चाहते हैं, 1,000 रुपये देना चाहते हैं या इसी कड़ी में आप देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं चंदा। लेकिन अगर आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा देना है या राशि 2,000 रुपये से ऊपर रखी गई, 2,000 रुपये से ऊपर चंदा देना है तो आप रसीद के जरिए चंदा देंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं, उस लिमिट कोई नहीं है, फिर आप रसीद के जरिए कितना भी चंदा दे दीजिए और आप वो चंदा सीधे राम मंदिर निर्माण में लगेगा। कूपन पर भगवान राम का फोटो छपवाया गया है और मंदिर का जो आपको चित्र जो ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया है कई बार कि ये ऐसा दिखेगा राम मंदिर, वो चित्र भी उस कूपन पर होगा। आप रसीद से दान दे सकेंगे, और जब आप रसीद से दान देंगे तो आपको एक पत्रक मिलेगा और राम भगवान राम का एक चित्र भेंट किया जाएगा। पत्रक पर मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी जो हिंदी में होगी, अंग्रेजी में होगी और इसके अलावा कई राज्यों में मातृभाषा में भी होगी। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी राशि भी देंगे, वो राशि अभी तय नहीं की गई कि कितनी हो, लेकिन अगर वो लाखों में हुई, बड़ी राशि हुई, तो फिर पत्रक और चित्र के अलावा आपको एक यादगार के रूप में, एक स्मृति के रूप में आपको अंगवस्त्र, कॉफ़ी टेबल जैसी चीज़ें भेंट की जा सकती हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो देश में नहीं हैं, बाहर हैं, वो चाहते हैं कि वो भी भगवान राम के इस शुभ काम में अपनी भागीदारी दें, तो क्या आप विदेश से चंदा दे सकते हैं? अगर आप NRI हैं, देश से बाहर बैठे हैं तो चंदा दे सकते हैं, तो मायूसी आपके हाथ लगेगी क्योंकि विदेश से चंदा नहीं दिया जा सकता। उसका एक कारण है, देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, FCRA, और जिन ट्रस्ट को उसकी मान्यता है वही विदेश से चंदा ले सकते हैं, जिन NGOs को उनकी मान्यता है वही चंदा ले सकते हैं। और फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास वो मंजूरी नहीं है, और ये इतना ज़्यादा इसमें ख्याल रखा जा रहा है पारदर्शिता का और प्रोफेशनलिज्म का कि बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, देश भर में लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर ये ट्रेन किया जा रहा है कि आपको कैसे चंदा मांगना है, कैसे लोगों तक जाना है। और जो कमेटियां बनी हैं उसमें संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही लोग इन टोलियों में आ सकते हैं, वही लोग इन कमेटियों में आ सकते हैं, कोई आम आदमी भी उस कमेटी में, उस टोली में शामिल हो सकता है। आपको वहाँ के जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद और संघ के जुड़े लोग हैं, उनसे संपर्क करना है और अगर वो चाहेंगे तो आप उन टोलियों में आ सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं।
अब देखिए कैसी कैसी टोली बनाई गई है, एक धन संग्रह टोली है, वो घर घर जाकर कूपन और रसीद बांटेगी और उनसे पैसे कलेक्ट करेगी। धन संग्रह यानी पैसे इकट्ठा करना। आर्थिक टोली है, जो धन संग्रह होगा, जो चंदा इकट्ठा होगा, उसका हिसाब किताब करना इस आर्थिक टोली के जिम्मे है। फिर एक कार्यालय टोली है, हर जिले में इस अभियान के लिए कार्यालय बने हैं, तो वहां कुछ लोगों की टीम है जो जिला स्तर पर इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगी। फिर प्रचार प्रसार टोली है, इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर या ग्राम स्तर या जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हैं, इसमें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े अनुभवी लोग शामिल किए गए हैं, ताकि कैसे इस अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके बाद एक विशिष्ट टोली है, ये टोली काफ़ी अहम है। देखिए इस टोली का क्या काम होगा, जो लोग 5 लाख रुपये से ज़्यादा का डोनेशन करना चाहेंगे, उनके पास ये विशिष्ट टोली संपर्क करेगी और उनसे संपर्क के लिए विशिष्ट टोलियां बनाई गई हैं, जो इन जिसमें कुछ अनुभवी और कुछ बड़े पदाधिकारी शामिल किया जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि राम मंदिर बनाने के लिए कितने धन संग्रह का टारगेट है, तो देखिए धन संग्रह का कोई टारगेट नहीं है। ये टारगेट रखा गया है कि 65 लाख लोगों तक जाना है, लेकिन कितना पैसा इकट्ठा करना है इसका कोई टारगेट नहीं तय किया गया है। राम के नाम पर श्रद्धा से, आप अपनी श्रद्धा से जो देना चाहें आप दीजिए, और फिर उसके बाद ये जब पूरा 42 दिनों का अभियान पूरा हो जाएगा, तब आंकड़ा सामने आएगा कि देश के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितना पैसा दिया है। तो फिर किसी एक और ऐसे मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपको ऐसी कोई जानकारी, अहम जानकारी देंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, TV9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।